दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला से 11 किलोमीटर दूर यह तारा देवी मंदिर काफी पुराना है। यहाँ पर पश्चिमी बंगाल से 250 साल पहले माँ तारा की मूर्ति लाई गई थी। कहते हैं कि तारा देवी मंदिर के लिए यहाँ पे किसी राजा ने अपनी जमीन दान की थी। ये तारा देवी मंदिर है, यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। शिमला के साथ लगती चोटी पर स्थित माँ तारा का मंदिर हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। शिमला शहर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया यह मंदिर काफी पुराना है। हर साल यहाँ लाखों लोग माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। कहा जाता है कि करीब 250 साल पहले माँ तारा को पश्चिमी बंगाल से शिमला लाया गया था। सेन काल का एक शासक माँ तारा की मूर्ति बंगाल से शिमला लाया था। जहाँ तक मंदिर बनाने की बात है तो राजा भूपेंद्र सेन ने माँ का मंदिर बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि एक बार भूपेंद्र सेन तारा देवी के घने जंगलों में शिकार खेलने गए थे। इसी दौरान उन्हें माँ तारा और भगवान हनुमान के दर्शन हुए। माँ तारा ने इच्छा जताई कि वह स्थल में बसना चाहती हैं, ताकि भक्त यहाँ आकर आसानी से उनके दर्शन कर सके। इसके बाद राजा ने यहाँ मंदिर बनवाना शुरू किया। राजा ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा मंदिर बनवाने के लिए दान कर दिया। कुछ समय बाद मंदिर का पूरा काम हो गया और लकड़ी की बनी माँ की मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी गई। मंदिर के पंडित कमलेश शर्मा ने बताया कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। नवरात्रों में यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। भगवती माँ तारा देवी का ये मंदिर बहुत प्राचीन है। ये लगभग 400 वर्ष पुराना है। यहाँ पर एक राजा हुए हैं भूपेंद्र सेन, जिनको भगवती माँ पराशक्ति तारा ने यहाँ पर दर्शन दिए थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। देखो, भगवती की इस मंदिर में गाढ़ आस्था है, अगाध आस्था है। नवरात्रों पे यहाँ पे लगभग 1 लाख से ऊपर लोग आते हैं, 9 नवरात्र को मिला करके। परंतु उसके बाद भी जो यहाँ पे रविवार और मंगलवार होता है, इससे यहाँ पे भक्तों की अपार संख्या आती है। रविवार के दिन लगभग 3-4 हज़ार 5 हज़ार के लगभग भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और मंगलवार के दिन 1-1.5 हज़ार के लगभग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे भी यहाँ पर हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगा ही रहता है। साथ ही मंगलवार व रविवार को भी लगभग हजारों भक्त माँ के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। बता दें कि माता तारा के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 4 वर्ष लग गए। अब मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार है। साथ ही मंदिर में आए श्रद्धालुओं का कहना है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है, साथ ही इस मंदिर की काफी मान्यता भी है। तारा देवी मंदिर है, हम यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं और बचपन से ही मैं तो यहाँ पर आती हूँ। हमारी बहुत आस्था है और मंदिर में आकर बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनको भी हम मंदिर लेकर आते हैं। अब तो नया मंदिर बन गया, ये बहुत खूबसूरत है और मन आकर बहुत खुश होता है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता जी। माता मंदिर के माता के मंदिर में हम अक्सर आते रहते हैं, बचपन से हम आते रहते हैं। हमारी मनोकामना तो कुछ नहीं है, माता ने सब कुछ दिया है, सब कुछ माता की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और हम सबके कल्याण के लिए यहाँ आते रहते हैं, ताकि सुख शांति रहे। तो लोग अपनी अपनी वैसे तो हिमाचल में वैसे देवभूमि है और अक्सर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, लेकिन शिमला में इतना सुंदर मंदिर और इतनी, कई लोग तो पिकनिक के लिए आते हैं, कई लोग अपनी आस्थाएं पूरी करने के लिए आते हैं। और अक्सर ये पाया गया है कि सब लोगों को सुख शांति मिलती है, कामना जो हमारी सांसारिक कामनाएँ वो पूर्ण होती हैं, इसीलिए सब लोग आते हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से प्रतिमा चौहान के साथ रुचिका चंदेल की रिपोर्ट। यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी की सोच रही हैं, तो अवश्य आए भूषण ज्वेलर्स। सोलन के भूषण ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषण का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। भूषण ज्वेलर्स सोलन कर MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के सीजन में ग्राहकों को एक इयॉन 5 स्कूटी व ढेरों इनाम दिए गए। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर्स सोलन।